Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. यह दुनिया कई तरह के रहस्य और चमत्कारों से भरी हुई है। भले ही आज विज्ञान ने काफी प्रगति कर ली, लेकिन आज भी कुछ बातें ऐसी हैं जो विज्ञान की समझ से परे हैं। आज तक विज्ञान उन घटनाओं की असल वजह का पता नहीं लगा पाया। बात करें भारत की, तो भारत में कई ऐसे रहस्यमय मंदिर और स्थान हैं जहां पर घटित होने वाली घटनाओं को देखकर विज्ञान भी आश्चर्यचकित रह जाता है। हमने आपको कई ऐसी रहस्यमय जगहों के बारे में बताया है, और आज आपको एक और ऐसी ही जगह के बारे में बताने जा रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां पर रात में सभी देवियां आपस में मिलती हैं और बातें करती हैं। हालांकि जब मंदिर परिसर के अंदर लोगों ने जाकर देखा तो वहां उनको कुछ भी नजर नहीं आया, बस बातें करने की आवाज सुनाई देती है। आपको बता दें कि यह मंदिर बिहार में स्थित माता राजेश्वरी का है। इस मंदिर में माता राजेश्वरी के अलावा कुछ और देवियां भी हैं, जिनमें बगलामुखी माता, तारा माता, काली माता, कमला, उग्रतारा, छिन्न माता, धूमावती, षोडशी सहित 10 महाविद्याएं निवास करती हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ देवियां रात को बातें करती हैं। उनके आपस में होने वाले वार्तालाप हंसे ठहाके सभी को सुनाई देते हैं। हालांकि यह बात सुनकर थोड़ी अजीब लग रही है, लेकिन यह एक ऐसा सत्य है जिसे आप नकार नहीं सकते। यह मंदिर दिन में तो सामान्य मंदिर की तरह ही रहता है, लोग यहाँ आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन रात को जो भी उस मंदिर के नजदीक से निकलता है वह उस आवाज को आसानी से सुन सकता है। यहाँ पर इन देवियों के अलावा भगवान श्री गणेश, भैरव, भगवान शिव का मंदिर भी बना हुआ है। यह मंदिर अपने आप में एक आश्चर्य है। यहाँ के खूबियों को जानने के बाद भी कभी भी कोई यहाँ रात में रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, जबकि लोग जो मंदिर के बाहर उन आवाज़ों को सुनते हैं, मंदिर के अंदर जाने पर उन्हें कुछ भी दिखाई और सुनाई नहीं देता। परिसर से बाहर निकलते ही वो आवाज़ें फिर से सुनाई देने लगती हैं। हालांकि आज तक इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। मंदिर परिसर के अंदर से आने वाली आवाज़ों की बात करें तो यह ऐसी ही होती हैं जैसे कुछ लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं। वहां के स्थानीय लोगों के लिए अब यह एक आम बात हो गई है। उनका ऐसा मानना है कि यह एक चमत्कार है और उनके नगर पर माँ की असीम कृपा है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति सच्चे और साफ मन से जो कुछ भी मांगता है और पूजा करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.